हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम भाई अपना रूरल डेवलपमेंट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि दो तरह के चैलेंजेस है, लिंगरिंग चैलेंजेस और हमारे हैं इमर्जिंग चैलेंजेस। लिंगरिंग चैलेंजेस में हमने दो चैलेंज किए, जिसमें हमने रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग, ठीक है। रूरल क्रेडिट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग क्या है? देखो, रूरल मार्केटिंग यानी कि मार्केटिंग किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, रूरल के लिए। ओके, सो आफ्टर हार्वेस्टिंग द फार्मर्स नीड्स टू असेंबल, कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है उसके बाद, हार्वेस्टिंग करने के बाद फार्मर को क्या करना पड़ता है कि अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आउटपुट उसको मिला है, उसको अरेंज करना होता है, उसको असेंबल करना पड़ता है। और उसके लिए वो पहले तो कलेक्ट करता है फार्म से, और फिर उसको प्रोसेस करता है, ग्रेडिंग करता है उसकी, फिर उसको पैकेजिंग करता है, उसको स्टोर करके रखता है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ उसको करनी पड़ती हैं। तो रूरल मार्केटिंग के अंदर हम ये सारा का सारा, जितनी भी एक्टिविटी, चाहे वो इकट्ठा करना, गैदरिंग करने की है, चाहे उसको प्रोसेस करना, साफ करना है ग्रेन जो है उसे, चाहे उसकी है ग्रेडिंग करनी है, चाहे कि अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स अलग कर दिए, वो हाई क्वालिटी अलग कर दिए, लो क्वालिटी थोड़े से वो अलग कर दिए, फिर उसकी पैकिंग का है, फिर उसकी स्टोरिंग का है, और फिर सेलिंग का है। ये सारे के सारा जो भी प्रोसेस होगा वो सब हम इंक्लूड करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इन शॉर्ट, अगर हम कहें कि एग्रीकल्चर में हम सिंपल ये नहीं कह सकते कि फार्मर को अपने फार्म से लेकर अपना जो प्रोड्यूस है वो मार्केट तक ले जाना और वहाँ सेल करना सिर्फ वही आता है, नहीं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर जो प्रोसेस है कि वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेस्ट प्राइस पर सेल कर सकता है, और उसको सेल करने के लिए अगर वो ग्रेडिंग करता है वो भी मार्केटिंग में आता है, अगर वो पैकिंग करता है वो भी मार्केटिंग में आता है, और अगर वो स्टोरेज करता है तो वो भी मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो ये सब का सब, सारा का सारा इंक्लूड किस में होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। लेट्स सी नाउ प्रॉपर डेफिनेशन। सी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल दीज प्रोसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल, कि हार्वेस्टिंग और फाइनल सेल के बीच का जो भी प्रोसेस, जो भी चीज़ें हैं इसके बीच में इंक्लूड होती हैं, वो सब के सब किस में आती हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। प्रोड्यूस बाय द फार्मर, दस एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व, प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व है यहाँ पे? प्रोसेस फर्स्ट गैदरिंग, प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, क्वालिटी के अकॉर्डिंग ग्रेड करना उसको, कि हाई क्वालिटी अलग कर देना, लो क्वालिटी अलग कर देना, पैकिंग करना उसके बाद, ठीक है। देन स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल, ताकि स्टोर कर सके, सो दैट इन फ्यूचर ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस विल बी देयर। सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन इट्स प्राइस इज लुक्रेटिव, कि जब अच्छे प्राइस मिले तो उस टाइम पर उसको सेल करें। ओके, तो ये सब के सब। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा आपका एज इट इज लाइन वाइज ही लिखना है, क्योंकि गैदरिंग के बाद ही प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद ग्रेडिंग होता है, ग्रेडिंग के बाद पैकिंग होता है, और पैकिंग के बाद स्टोरिंग होता है, और स्टोरिंग करने के बाद ही सेलिंग होता है, ठीक है। तो ये सब का सब, जितना भी ये सारे प्रोसेस हैं, वो किस में इंक्लूड होगा? हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, या हम जिसको कह रहे हैं रूरल मार्केटिंग। ओके, नाउ एट द टाइम ऑफ, अब क्या था कि जो इंडिपेंडेंस का टाइम था उस टाइम पर, क्योंकि हमारा उस टाइम पर एग्रीकल्चर मार्केट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, वहाँ पर सिर्फ उस टाइम में जो मनी लैंडर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जो ट्रेडर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, वो क्या करते थे, वो खुद से ही जो फार्मर्स थे उनके ऊपर एक तरह से डोमिनेट उनको करते थे, कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा डेट, जिसको हम कर्जा बोलते हैं, चढ़ा देते थे, जिससे कि फार्मर्स को मजबूरन ऑब्लाइज हो जाते थे कि अपना जो भी आउटपुट उन वो कलेक्ट करते थे उनको सेल उन्हीं को ही करना पड़ता था, सो दैट देल कम आउट फ्रॉम द डेट ट्रैप जो कि मनी लैंडर्स ने और ट्रेडर्स ने, जिनमें उसको उनको फार्मर्स को फंसा रखा था, ठीक है। अब उससे निकलने के लिए उनको क्या करना पड़ता था कि मजबूरन अपनी जितनी भी आउटपुट, जो भी उनका प्रोडक्शन होता था, वो उनको सेल करना पड़ता था, और जब वो सेल करते थे तो वो उनसे बहुत ही लो रेट पर जो मनी लैंडर्स थे वो परचेज करते थे, जिससे कि फार्मर्स जो है मोस्टली
फिर भी ज्यादा से ज्यादा डेट ट्रैप में ही फंसे रहते थे और बहुत ही लो प्राइस पर उनको अपनी जो प्रोडक्शन है वो सेल करनी पड़ती थी। ठीक है, तो इस तरह की जब हमारे सेल मजबूरन कोई सेल करनी पड़ती है तो उस तरह को सेल को बोलते हैं हम डिस्ट्रेस सेल। देखो, डिस्ट्रेस सेल रिफॉर्म्स रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द फार्मर्स आर कंपेल्ड, कि जब फार्मर्स को कंपेल किया जाता था टू सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली, कि वो उसी टाइम अपना जो प्रोड्यूस है, जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, उसको वो सेल आउट कर दे आफ्टर द हार्वेस्ट, नो मैटर हाउ लो द मार्केट प्राइस, के बिना ये देखे कि मार्केट प्राइस लो है या हाई है। ठीक है, मींस उनको एक तरह से मजबूरी हो जाती थी फार्मर्स की, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा डेट्स जो लिए हुए थे मनी लेंडर्स से, उनकी पेमेंट जल्दी से जल्दी वो मांगते थे, करनी होती थी, तो इसलिए जो भी प्रोडक्शन होता था उनका वो उनको सेल आउट करना पड़ता था। ओके, तो इस तरह की जब मजबूरी हो जाती है, कंपेल करते थे उनको सेल करने के लिए मनी लैंडर्स, कि आप जैसे ही प्रोडक्शन हुआ है इमीडिएटली आपने हार्वेस्टिंग करने के बाद हमें सेल आउट कर देना है, प्राइसेस आपको चाहे लो मिले चाहे हाई, उस तरह की सेल को हम कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। ओके, अब रीजन क्या था डिस्ट्रेस सेल का? एक तरह से तो रीजन देखे तो रीजन हमें यहाँ पर समझ में आता है कि जो फार्मर्स थे जल्दी से जल्दी अपना डेट्स, जो अपना कर्जा है वो चुकाना चाहते थे। ठीक है, उनको देना चाहते थे, फ्री होना चाहते थे डेट ट्रैप से। सेकेंडली, उनके पास जो मेन रीजन था वो ये था फ्रेंड्स, कि उनके पास स्टोरेज सिस्टम नहीं था, फैसिलिटी नहीं थी, तो जो भी प्रोडक्शन होता था उनको रखने के लिए उनके पास फैसिलिटी ही नहीं थी, जिससे कि वो अपना जो प्रोड्यूस है, जो आउटपुट है, वो प्रॉपरली उसको स्टोर करके रख सके, इसलिए भी उनको क्या करना पड़ता था, मजबूरन सेल आउट करना पड़ता था। देखिए, द कंपल्शन ऑफ सेल अराइजेस बिकॉज द फार्मर्स नीड इमीडिएट कैश टू पे ऑफ देयर डेट्स, की इमीडिएट कैश को पे ऑफ करना होता था, एंड पे ऑफ देयर डेट्स, एंड दे लैक स्टोरेज फैसिलिटी और द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज वेरी हाई, कि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, और अगर होती थी वो अवेलेबिलिटी फिर भी अगर मैनेज कर लेते थे तो उसकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आती थी, जिससे कि स्टोरेज वो प्रॉपरली नहीं कर पाते थे। सो दीज आर द रीजन्स कि किस वजह से उनको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम, कि मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए। तो सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट, की गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेट कर दी मार्केट, मीन्स ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपनी सेल परचेज की जो एक्टिविटीज़ है प्रॉपरली कर सके, और अंडर द मॉन एंड मोनि दैट एक्टिविटीज आर मॉनिटर्ड बाय द मार्केट कमेटी, और उस मार्केट कमेटी में इंक्लूड कौन होते थे, ट्रेडर्स भी, मीन्स जो परचेज करेंगे, प्लस आपके जो फार्मर्स हैं वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं, वो भी उसके मेंबर्स होते हैं, और प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। देखिए, रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड वेयर सेल एंड परचेज ऑफ द प्रोड्यूस इज मॉनिटर्ड बाय द मार्केट कमेटी इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। द मार्केट सिस्टम इज मेड ट्रांसपेरेंट विच इज स्ट्रिक्टली विजिल ऑन द यूज ऑफ प्रॉपर स्केल्स एंड वेट्स, कि यहाँ पर प्रॉपर स्केल्स यूज हो सके, वेट प्रॉपरली हो सके, इसलिए ये सिर्फ सबके सब किसके अंडर होता था, इस मार्केट कमेटी के अंडर जो है सेल परचेज होता था, ताकि कोई भी गलत जो है या इलीगल एक्टिविटीज ना कर सके। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कॉपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज, कि कॉपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई गई सो दैट द फार्मर्स हैव मोर बेटर इन द बार्गेनिंग, कि ताकि फार्मर्स जो हैं वो बार्गेन कर सकें, जिससे कि वो अपने क्रॉप्स का, अपने प्रोड्यूस का बेटर प्राइस कलेक्ट कर सकें। देखिए, द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, की गवर्नमेंट ने एनकरेज किया कॉपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग को,
एज अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटीज फार्मर्स फाइंड देमसेल्व्स बेटर बार्गेनर्स, कि जैसे ही वो इसके पार्ट बने, इसके मेंबर्स बने, तो अब उन्होंने फील किया फार्मर्स ने कि वो अब अपनी जो क्रॉप्स है, जो प्रोड्यूस है, उसका बेटर बार्गेन कर सकते हैं एंड गेटिंग बेटर प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस थ्रू कलेक्टिव सेल, और अपनी कलेक्टिव सेल करके बेटर प्राइस ले सकते हैं अपनी क्रॉप का। नेक्स्ट आता है कि प्रोविजन ऑफ वेयर हाउस फैसिलिटी, कि गवर्नमेंट ने वेयर हाउस, अब जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो फार्मर्स थे उनके पास स्टोरेज की प्रॉब्लम आती थी, तो स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, डिस्ट्रेस एक तरह से हम देखें तो सेल को खत्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए वेयर हाउस फैसिलिटीज प्रोवाइड की, ठीक है। एंड सेंट्रल एंड स्टेट वेयरिंग हाउस कॉरपोरेशन आर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफरिंग स्टोरेज स्पेस टू द फार्मर्स, कि सेंट्रल और जो स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हैं वो फार्मर्स को प्रॉपर एक स्टोरेज फैसिलिटीज स्पेस देता है, प्रोवाइड करवाता है। एंड स्टोरेज हेल्प्स द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट द टाइम व्हेन द प्राइस इज हाई, कि जब जो स्टोरेज है वो एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, ताकि जब भी प्राइसेस इंक्रीज हो, राइज हो, तब वो अपना सेल कर सके, या अच्छे प्राइसेस जब भी उनको मिले तब वो अपना प्रोड्यूस जो है वो सेल आउट कर सके। नेक्स्ट जो फोर्थ आता है दैट इज सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट। देखिए सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट मीन्स सस्ते ट्रांसपोर्ट अब अवेल करवा दिए गवर्नमेंट ने, जो रेलवेज था, ठीक है, वो उनका एक्सपेंशन कर दिया रेलवेज की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो फार्मर्स हैं अपना प्रोड्यूस जो है एक जगह से दूसरी जगह भेज सके इन एट वेरी लो कॉस्ट, ताकि उनको कॉस्ट भी ज़्यादा बियर ना करनी पड़े। देखो रेलवेज आर ऑफरिंग सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द फार्मर्स टू ब्रिंग देयर प्रोड्यूस टू द अर्बन मार्केट्स व्हेन ऑफन दे गेट अ बेटर डील। नेक्स्ट आता है डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से मतलब है बेटा कि मार्केट से रिलेटेड अब क्या करने लगी, जो गवर्नमेंट है वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने लगी। आपने देखा होगा कि ये जो किसान चैनल्स आते हैं दूरदर्शन के, वहाँ पे स्पेशली बताया जाता है कि क्या रेट चल रहा है, वीट जो है वो किस रेट पे है, कौन कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं रिलेटेड टू फार्मर्स, ये सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है, सो दैट एवरी फार्मर विल हैव द प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया आर एक्टिवली एंगेज्ड इन ऑफरिंग मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स, पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइस बिहेवियर, कि पर्टिकुलरली प्राइस से रिलेटेड, कि प्राइस बिहेवियर क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट अब क्या करने लग गई है, पब्लिश करने लग गई है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, ठीक है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में सम बहुत बार पहले जब भावांतर योजना चलाई गई थी गवर्नमेंट के थ्रू, उस पर रेट मेंशन होके आते थे कि जो भावांतर योजना है जो फार्मर्स के लिए, जिससे कि फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स का अच्छा भाव मिल सके, अच्छे रेट प्राइस मिल सके, उसके रेट्स डिफाइन होकर आते थे, ठीक है। तो वो सब क्या है, ये स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ फार्मर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास एमएसपी पॉलिसी। एमएसपी पॉलिसी बिल्कुल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने चलाई है, सो दैट कि इनकम जो है फार्मर की वो अच्छी हो सके, ठीक है। बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी पॉलिसी चलाई। एमएसपी इंश्योर्स टू द फार्मर्स दैट द प्रोड्यूस वुड बी परचेज बाय द गवर्नमेंट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, कि ये हमें एश्योर करता है कि जो हमारे प्राइसेस हैं वो एश्योर करता है कि प्रॉपर रेट पर परचेज जो क्रॉप्स हैं वो प्रॉपर प्राइस पर परचेज कर रही है गवर्नमेंट, ओके। ऑफकोर्स द फार्मर्स आर फ्री टू सेल देयर प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस देन एमएसपी इन द
ओपन मार्केट की एमएसपी से हायर प्राइस पे सेल कर सकता है फार्मर, अगर उसका सेल होता है, उसके लिए गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। लेकिन यहाँ पर एमएसपी में ये डिसाइड किया कि मिनिमम आपकी जो है इतनी इनकम फिक्स हो जाएगी कि इतना तो सेल होगा ही। एमएसपी क्या है, एक तरह से देखें तो मिनिमम इनकम है कि जो मिनिमम प्राइस है आपकी क्रॉप का, फार्मर्स की क्रॉप का, वो इतना मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम में कोई भी परचेज आपसे नहीं करेगा। ओके और हमारे साथ साथ इसके साथ साथ उन्होंने बफर स्टॉक जो गवर्नमेंट है बफर स्टॉक की फैसिलिटी प्रोवाइड किया, पीडीएस सिस्टम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने में लगी हुई है गवर्नमेंट, सो दैट द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव एन ईजी एसेस टू देयर टू दीज थिंग्स, कि इजीली जो पुअर सेक्शन है हमारी इकोनॉमी में उनको इजीली ये चीजें मिल सके। ओके सो दीज ऑल आर द मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द मार्केटिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अल्टरनेट मार्केटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।